देखिए जितने भी समाजवादी हैं, अगर पक्के समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम तो सबसे कहेंगे सब लोग आओ और सब लोग मिलकर के भाजपा को हटाओ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है, और यदि ऐसा है तो समाजवादी कुनबे में चाचा शिवपाल यादव के आने के बाद जो एका कायम हुई है वो आगे भी बढ़ सकती है। दरअसल इसलिए ये बात की जा रही है क्योंकि शिवपाल यादव, जिन्हें अभी कोई पद नहीं मिला है, अखिलेश यादव उनके भतीजे और सपा के प्रमुख, पिछले दिनों उनके घर गए थे और लंबी मीटिंग चली थी, तो उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा को कोई बड़ा पद मिलेगा। संगठन में फेरबदल हो रहा है। आज शिवपाल यादव पहुंचे बलिया और वहां पे जब पत्रकारों से रूबरू हुए तो ये सवाल उठा कि आप तो आ गए हैं, क्या अपर्णा भी आएंगी? इस पे सुनिए शिवपाल यादव ने क्या जवाब दिया। अपर्णा यादव अभी भी बीजेपी में है क्या, आने वाले समय में वो भी आ सकती है? देखिए जितने भी समाजवादी हैं, अगर पक्के समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम तो सबसे कहेंगे सब लोग आओ और सब लोग मिलकर के भाजपा को क्या सवाल पूछा? कमाल, इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या सवाल? अच्छा, कोई सवाल ना, जब बहू है तो जब भी कोई त्योहार होता, कोई फंक्शन होते तो सब लोग इकट्ठे रहते, परिवार के सुख में दुख में सब में शामिल होते, दुख सुख में सब में शामिल हो। सुना आपने, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो सच्चा समाजवादी होगा वो बीजेपी को हराने के लिए जरूर साथ आएगा, तो अपर्णा भी साथ में आ सकती है। चूंकि चाचा शिवपाल यादव इन दिनों जोश खरोश में है और समाजवादी पार्टी के साथ वैसे ही मेहनत कर रहे हैं जैसे पहले कभी किया करते थे। समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में कहते हैं कि यदि मुलायम सिंह यादव के बाद किसी ने योगदान दिया है तो शिवपाल यादव ही है। वो दरी बिछाने से लेकर के कार्यकर्ताओं से मिलने तक का काम किए। ये बात अलग है कि भतीजे अखिलेश यादव से जब नहीं बनी तो 2016 के बाद अलगाव हुआ और अभी मैनपुरी उपचुनाव तक वो किसी न किसी तरीके से चलता रहा। उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, लेकिन अब आए हैं साथ में तो उनको भी भाव मिल रहा है और बेटे आदित्य यादव को भी मिल रहा है। और चूंकि डिम्पल यादव उनके नज़दीक हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव ये कोशिश कर सकते हैं। अब थोड़ा तार पीछे से जोड़ते हैं। मैनपुरी में जब डिम्पल यादव भारी मतों से जीती थी तो ये जो अपर्णा यादव हैं उन्होंने ट्वीट करके भाभी को बधाई दी थी। दी तो बधाई अन्य जीतने वालों को भी थी, लेकिन भाभी पे उनका विशेष जोर था। इसके अलावा अभी हाल में डिम्पल यादव का जन्मदिन था तो विशेष रूप से अपर्णा यादव ने ट्वीट करके बधाई दी है, तो इससे भी उसको कनेक्ट किया जा रहा है। वैसे देखेंगे तो अपर्णा यादव पहले समाजवादी पार्टी में थी, मुलायम सिंह यादव उनको आशीर्वाद दिया करते थे और उन्हीं के दबाव में लखनऊ कैंट से उनको चुनाव भी लड़ाया गया, वो चुनाव हार गई थी। कहते हैं कि जो डिम्पल यादव हैं और अखिलेश से उनकी नहीं पटती थी, इसीलिए वो जो है आ गई बीजेपी में, और बीजेपी में शामिल होने के बाद न तो उनको कोई टिकट मिला और ना ही कोई जिम्मेदारी मिली है, इसलिए अपर्णा यादव के बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं। अब तो ये अपर्णा यादव ही बेहतर बता सकते हैं कि बीजेपी में वो एडजस्ट कर गई हैं या उनका भी मन है कि वो अपने पुराने घर को लौट जाए। इससे परिवार की एकता भी कायम होगी और राजनीति में भी मजबूती मिलेगी। देखते हैं कि होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।